आज हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सेट के ऊपर, तो पहले सेट को देख लीजिए फिर रिलेशन फंक्शन को देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। लेकिन हम अपना पूरा एफर्ट लगा के बताने की कोशिश करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ताकि आपको खूब अच्छा से समझ में आ जाए। तो रिलेशन जो है और फंक्शन, उनके फादर हैं जी डब्ल्यू लैग्रेंज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गॉटफ्रीड विल्हेल्म लैग्रेंज। ये रिलेशन एंड फंक्शन का पिता है। और रिलेशन एंड फंक्शन कहाँ से आया, पढ़ना क्यों जरूरी है? तो ये जनरली जो शादियां होती है, जो रिलेशन बनती है, ये रिलेशन वहां से आया। और ये कैसे फंक्शन काम कैसे करता है मैथमेटिक्स में, ये इन्होंने दिया है। और फंक्शन क्या है, जैसे कोई रिलेशन में शादी होता है या फिर कोई काम होता है तो वो कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, तो ये मैथमेटिक्स में कैसे फंक्शन काम करते हैं, ये दिए हैं जी डब्ल्यू लैग्रेंज ने। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे काम करता है। हम लोग आ गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। पहले हमने सेट खत्म कर चुका है, और पहले सेट पढ़ लीजिए उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़िए, नहीं समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ हद तक हम कोशिश करेंगे कि समझा दें, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेटर समझना चाहते हैं तो सेट को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का किस टाइप का रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है, ये डिपेंड करता है फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर ए है, एक कोई घर है जिसमें मेंबर हैं चार। ठीक, एक उसका फादर है, एक मदर है, एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। दूसरा जो घर है उसमें भी फादर है, इसको छोटा एफ से कर रहा, मदर है, सिस्टर है और चार लोग इसमें भी, चार लोग इसमें भी। अब ये ब्रदर का शादी हो जा रहा है इस सिस्टर के साथ, मतलब इस घर का सिस्टर है, तो हो ही सकता है। अब शादी हुआ, एक का शादी हो रहा है, फंक्शन यही है, फंक्शन यही है कि शादी हो रहा है। ठीक है, फंक्शन को हम लोग सेट में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फंक्शन यही है रिलेशन के तौर पे। और ये रिलेशन भी वहीं से आया है और ये सेट भी इसी टाइप से आया है। ठीक, तो हम लोग जमीनी स्तर पर जाके देख रहे हैं, तो ये जो शादी कर रहा है फंक्शन है, एक सेट के बीच में, अभी एक एलिमेंट के बीच में, सॉरी एक एलिमेंट के बीच में हो रहा है, लेकिन ये सारे के साथ जाएगा, इसका भी रिलेशन बनेगा शादी के बाद, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, सबके साथ भी बनेगा, और इसका भी रिलेशन इस मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन, और ये जो शादी हो रहा है वो हुआ फंक्शन। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर का। ठीक, ऑर्डर पेयर क्या होता है? इसको हम और अच्छा से देखेंगे सेट के रूप में, अभी केवल रिलेशन बताए हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत काम देगा। ऑर्डर पेयर, ठीक,
ऑर्डर किया, ये क्या होता है कि टू और थ्री को हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हुआ ऑर्डर पेयर। अच्छा, मतलब जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। कभी भी अभी हम जिस तरह इसमें बता रहे थे, अगर ब्रदर बड़ा बड़ा है सेट ए में, पिछले वाला सेट कैसे था, इसमें सब बड़ा था, एब एम फादर मदर, फादर मदर ब्रदर और सिस्टर, इसमें अगर ब्रदर बड़ा है तो शादी पहले जनरली जो बड़ा होता है उसी का होता है। ठीक, बहुत रेयर केस में दोनों का साथ भी हो जाता है, किसी का पहले भी हो जाता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का शादी होता है। ठीक है, तो ऑर्डर इसमें मैटर करता है कि जो बड़ा होता है उसका शादी होता है। ठीक, जो ज्यादा बड़ा होता है वो घर का गार्जियन होता है, ज्यादा बड़ा फादर है, ज्यादा समझदार भी है तो घर का गार्जियन ये रहे, ज्यादा समझदार अगर मदर है तो ये रहे। तो जिसमें ऑर्डर मेंटेन कर मतलब मैटर करता है उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, जैसे टू और थ्री अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिए हम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसका दो वैल्यू निकलेगा। ठीक, तो जो इसका दो वैल्यू मान लीजिए निकला ए और बी, ठीक है दो रूट निकला इसका ए और बी, और ये ए और बी को हम बी और ए भी लिख सकते हैं, दोनों गलती नहीं है। अगर ये और बी निकला तो भी सही है, और बी और ये निकला तो भी सही है। ठीक, तो यहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन यहां ऑर्डर मैटर कर रहा है। कैसे, देखिए टू और थ्री, ये हुआ वन, ये टू थ्री, ये वन ये टू थ्री, अगर टू और थ्री है तो टू और थ्री यहां हो जाएगा पोजीशन इसका, और थ्री और टू है, थ्री और टू इस तरह से, तो ये इसका पोजीशन यहां हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज है इसलिए हम ऑर्डर मैटर कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, कभी भी अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो ये ब्रैकेट जरूरी है इसमें, जब तक ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तब तक इसका ऑर्डर का वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक सेट ए और एक सेट बी, इसमें ए और बी है एलिमेंट, इसमें सी और डी है। हम बोले थे अगर एक का दूसरे से शादी हो जाता है तो सारे के साथ रिलेशन बन जाता है, तो हम बी का मान लीजिए शादी हो गई सी से। ठीक, ये कोई फंक्शन है, मतलब फंक्शन है बोले तो कि एक काम हो रहा है और उसके द्वारा पूरा एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ बॉन्डेशन हो जा रहा है। ठीक, कैसे हो रहा है, देखिए हम लिख रहे हैं अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो ए क्रॉस बी, ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल। ठीक, ए क्रॉस बी, क्रॉस है ये, ठीक है इसको क्रॉस पढ़ते हैं। दो सेट के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये जो है दिया हुआ वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ लिखेंगे। और पहला बात तो ये है कि जो पहले जो सेट लेंगे, जैसे ए क्रॉस बी है, तो पहले सेट कौन है? ए है। तो ए का एलिमेंट पहले लिखाएगा, फिर बाद में पी का एलिमेंट लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? ए एक सेट का एलिमेंट है और इस सेट का एलिमेंट क्या है? बी सेट। तो ए और सी लिखा गया। अब ए और डी लिखा गया, फिर बी और सी, और बी और डी। ये हुआ ए क्रॉस बी का। अब लिखते हैं बी क्रॉस ए। एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सेट के एलिमेंट को बी सेट के सारे एलिमेंट को वन बाय वन करके लिखा जाता है, और जो पहले सेट रहेगा उस सेट के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, जो सेट पहले रहेगा उस सेट के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, बाद में दूसरे सेट के एलिमेंट को लिखेंगे। फिर वही काम, जो पहले है उस सेट के एलिमेंट को, बाद में है उस सेट के एलिमेंट को। सी के लिए हो गया। अब डी के लिए, डी के लिए क्या करना? डी ए और डी, ठीक है, ये हो गया। अब बात ये है कि ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं हो। ठीक, क्लियर दिख रहा है? कोनो आपस में बराबर नहीं है। अब हम देखते हैं इधर, मान लीजिए एक सेट दिया हुआ ए ने एक्स, जिसमें वन और टू है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें फोर और फाइव है। स्पीड में निकालेंगे थोड़ा, ठीक है। एक्स, ये एक्स सेट है और ये एक्स नहीं है, ये क्रॉस है और ये वाई है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में होता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डॉट पढ़ते हैं इसको, ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो उसी तरह से ई भी क्रॉस है, लेकिन ई वेक्टर वाला क्रॉस है, इसका फंक्शन दूसरा है, इसका फंक्शन दूसरा है। वो फिजिक्स में वेक्टर में यूज होता है, ये सेट में यूज होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। खैर, मैथ वाला पेपर जिस दिन रहेगा उस दिन जहां जितना भी क्रॉस यूज करना है, जितना भी क्रॉस होता है वहां ये रहता है, ठीक है। वेक्टर आपको जब भी दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर में एरो दिया हुआ रहेगा, वेक्टर मैथ में भी पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर एरो रहता है, ठीक है, डायरेक्शन शो करता है। और बात यह है कि ये जिधर भी रहेगा वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्शन शो करेगा, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब ए क्रॉस बी, एक्स क्रॉस वाई निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वन वन
फोर, वन फाइव, जो पहले है वो पहले लिखे उस सेट का एलिमेंट को, उसके बाद दूसरे सेट का एलिमेंट, ठीक है, दोनों का लिखे, उसके बाद फिर क्या है टू फोर और टू फाइव, अब दूसरा निकाल रहे हैं y कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x, फोर वन और फोर टू, फाइव वन और फाइव टू, ठीक है, ये निकल गया दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, और ये एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर, और ये जो है वो ऑर्डर को मैटर करता है, इसीलिए फोर वन इज नॉट इक्वल टू वन फोर, ठीक है। अब एक चीज और बात करेंगे हम, कभी भी अगर ऑर्डर में दिया हुआ है और बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे x y इज इक्वल टू टू और थ्री, मतलब x के बराबर में टू है और y के बराबर थ्री है, ये बराबर होगा आपस में और ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तभी वो बराबर होगा, वरना बराबर नहीं होगा। अच्छा, बराबर होगा तो फाइव प्लस एक्स और थ्री माइनस एक्स का वैल्यू अगर एट है और वन है, तो x और y का भी वैल्यू निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर होगा और ये दोनों इसके बराबर होगा, क्या, तो 5 प्लस x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, क्या। अब ये क्या है, थ्री माइनस वाई ये किसके इक्वल होगा, वन का, तो ये वन का इक्वल होगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस है, तो वन माइनस थ्री हो गया, इसका वैल्यू माइनस टू और इधर माइनस वाई है, तो माइनस माइनस कटेगा तो वाई इज इक्वल टू टू हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पुट करिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, पुट करते हैं, देखिए फाइव है और प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू थ्री है, थ्री ये कितना है आठ, इसके बराबर हुआ, और वाई कितना है टू है, तो टू माइनस थ्री माइनस टू वन, और वन इसके बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा तो ये इक्वेशन बनेगा, और ये इक्वेशन बनेगा तो एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, बराबर होता है तब ये वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब बात रह गया कि हम एक इक्वेशन देते हैं 5x, इक्वेशन नहीं ऑर्डर, 5x और 3y इज इक्वल टू 10 और 15, तो x और y का क्या वैल्यू आएगा कमेंट में बताना है। इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे किसका, दो सेट के बीच में हम अभी देखें कि कैसे
क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ऑर्डर पेयर निकालें। अब तीन सेट के बीच में देखेंगे, ए जो सेट है उसमें दिया हुआ है, क्या ले लें, 1 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बी में 3 4 ले लिए और सी में 5 ले लिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालिए, निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं 1 3 और फिर 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4। अब उसके बाद 5 के साथ लेना है। अब ये एक सेट हो गया, अब इस सेट को ए क्रॉस बी क्रॉस सी सी के साथ निकालेंगे। अब जो है ये एक सेट के रूप में ट्रीट करेगा, ठीक है, और ये जो है ये एक एलिमेंट के रूप में आएगा ये सारा। तो जहां लिखेंगे ये एलिमेंट, ये एक सेट है, एक सेट के रूप में ट्रीट होगा अभी, और ये जो है एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट होगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 और 3 और फिर क्या, हम बोल रहे हैं ऑर्डर मैटर करेगा। अब ये बताओ कि ये एलिमेंट है 1 3, तो हम ऐसे करके ऐसे लिख के फिर ऐसे लेंगे, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 4 ये पहले है इसलिए हम इसको पहले इस सेट के एलिमेंट को पहले लिख रहे हैं, उसके बाद इसको 5, फिर 2 3 और फिर 5, फिर 2 3 ना 4 2 4 और 5। इसमें अगर ज्यादा एलिमेंट रहता तो और बढ़ता, इसमें भी ज्यादा एलिमेंट रहता, मान लीजिए कि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तब मल्टीप्लाई करते करते कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये भी बताना है, कितना हो सकता है कमेंट में बताइएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है, जिससे ये कितना एलिमेंट आएंगे ये पता चल जाएगा। जैसे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, ठीक, तो नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी के, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, ये में तो 2 एलिमेंट है, इसमें बी में कितने एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, कितना आया, 4। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 चार है। अच्छा अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू दो सेट के लिए, ठीक है, अब क्योंकि तीन सेट में ये डिफाइन नहीं करेगा फॉर्मूला, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सेट के रूप में आ जा रहा है, फिर ये दूसरा सेट से आ जा रहा है, मतलब ये 2 ही सेट है, 3 सेट नहीं है, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला 3 सेट के लिए नहीं बनेगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए मैं। तो आप लोग ये वाला सेट करके फॉर्मूला बना के बताइएगा कि कितना एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब
आगे चलते हैं और आगे करते हैं रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब रियल नंबर में ये दिक्कत इस बात का है कि रियल नंबर तो इनफिनिट है भाई साहब, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी है रियल नंबर। अब भाई साहब इसमें हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो बड़ा अजीब बात है कि R क्रॉस R दे दिया है निकाल में। अच्छा R क्रॉस R दे दिया है तो नहीं निकाल पाएंगे। पहले हम लोग एक क्रॉस A सेट में एलिमेंट दिया है 1 और 2, अब एक क्रॉस A निकालने दिया है तब निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। एक सेट A है, दूसरा सेट भी A है, तो इसको लिख लीजिए ना एक जगह और 1 और 2, यही लिखिएगा, सेम चीज है, तो सेम चीज को लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे स्लैश दें कि इसको इसके नीचे लिखना चाहिए था, इमेज ना कर जाए इसलिए स्लैश दे दिए, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज है तो सेम चीज को दो बार लिख दी। अब ये सेट पहले है तो पहले लिखेंगे उस एलिमेंट को 1, उसके बाद इसका 1, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 और 2, क्या अब सेट है तो भाई सेट का ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, बंद कर दिया। तो ये आया A क्रॉस A। अब इसमें तो नंबर बहुत ज्यादा है तो इसको कैसे लिखेंगे, A क्रॉस सॉरी R क्रॉस R बराबर सेट X और Y दो एलिमेंट है, ठीक है। और दोनों कहां से आ रहे हैं, तो दोनों आ रहे हैं X और Y बिलोंग कर रहा है R में, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब तीन वो दे दिया, तब तीन वो दे दिया तो आप ऐसे करिए R क्रॉस R, X Y है, ये एक्स वाई इसका है भी एलिमेंट, और एक और आर आ रहा है तो उसके लिए जेड दे दीजिए, और एक्स वाई और जेड ये तीनों आर से आ रहा है, यानी कि ये एक, ये दो और ये तीन, ये पांच भी हो सकता है, वेरिएबल दिए हैं इसीलिए ये पांच भी हो सकता है, ये साथ ही हो सकता है। अच्छा हम ये नहीं बताएं कि ये दोनों बराबर होगा कि इक्वल होगा, कि कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम इसका क्लेरिफिकेशन नहीं किए, ठीक है। इसमें भी उस टाइम हम बोले थे कि A क्रॉस B का अगर निकालना है तो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब नंबर ऑफ सेट A का एलिमेंट और नंबर ऑफ सेट B का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे उस कितने आएंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का पूरा पूरी एलिमेंट आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है तो ये इसका क्या है, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B, ठीक है, मतलब इसका लिख दिए यहां, जो भी आएगा आंसर उसको क्या करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस चीज से, तो ये थ्री के लिए, ठीक, इसी से काम चल जाएगा, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा कभी। पहले बात हम क्या बोले कि जो ऑर्डर होता है उसमें
ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी अगर एलिमेंट में देखा जाए तो 1 और 2 नॉट इक्वल टू 2 और 1। दूसरा बात हम बोलें कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, और तीसरा बात हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए का एलिमेंट और नंबर ऑफ सेट बी का एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए एक सेट है ए, इस सेट में एलिमेंट दिया है 1, 2, 3। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 और 3 और 4। एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट है 4, 5 और 6। ठीक है, ये 3 सेट दिया हुआ है। अब क्या करना है कि एक क्वेश्चन दिया है जिसमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और एक क्वेश्चन और है, ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है, कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम पहला नंबर का देख रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, तो हम सबसे पहले इसका काम करेंगे। इंटरसेक्शन निकालना हम सिखाए हैं, इसलिए हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर में। इसका इंटरसेक्शन बी और सी का 4 हो जाएगा। अब 4 को किसके साथ लेना है, ए के साथ, ए और यहां लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी। इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखें तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 एक सेट है और इन क्रॉस निकालना है किसको, 4 के साथ। तो इस एलिमेंट को पहले लिखेंगे फिर उसके बाद इसको, तो 1, 4 फिर 2, 4 3, 4 ये आ गया इसका आंसर पहला का। दूसरा का, ठीक, दूसरा का क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 और 3। बी यूनियन सी, ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा भाई, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में सारा एलिमेंट आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 आया। क्वेश्चन को मिटा देते हैं ताकि स्पेस हो सके आपके लिए। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी यूनियन सी ये निकालना है, तो ये कितना आया है, 2 और 3 आया है। ये कितना आया है, तो 1, 2, 3, 4 आया है। ठीक, इस सेट के एलिमेंट को पहले लिखेंगे फिर इधर वाला, और सबके साथ लिखेंगे, बार बार बोल रहे हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पहले इसका आंसर निकाले हम, फिर इसका निकालें, दोनों को यहां पुट कर दिए,
यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ क्रॉस होगा, ठीक है, क्रॉस है। फिर इस सेट के एलिमेंट को लिखें, फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।